आज का वचन जगत के निर्बलों के लिए है, आज का वचन जगत के मूर्खों के लिए है, आज का वचन सब प्रकार के त्यागे हुओं के लिए है, आज का वचन उन तुच्छ लोगों के लिए है जो कुछ भी नहीं है, आज का वचन उन सभी लोगों के लिए जिनको सबने छोड़ दिया और त्याग दिया, वरन जो है भी नहीं, आज का वचन उन सभी के लिए है, आज का वचन उस अनाथ के लिए है जिसका कोई नहीं है, आज का वचन उस विधवा के लिए है जिसका कोई संभालने वाला, जिसका कोई सुरक्षा करने वाला नहीं है, जिसकी जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है, आज का वचन उस दरिद्र के लिए है जिसको सबने छोड़ दिया, जो सबका त्यागा हुआ मारा मारा फिरता है, आज का वचन उन सभी के लिए है, उस हर एक व्यक्ति के लिए है जिसका मन आज टूटा पिसा है और मारा मारा फिरता है, आज का वचन उसके लिए है जिसको सबने धिक्कार दिया, तुच्छ जाना और बेइज्जती की और नाम धराई की गई, क्योंकि लिखा है, वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें और ज्ञानवानों को लज्जित करें, परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुना है कि जो बलवान है उनको व्यर्थ ठहराए, परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को और जो है भी नहीं उनको चुना है कि जो है उनको व्यर्थ ठहराए, परमेश्वर ने अनाथों और विधवाओं को, दरिद्रों को चुना है और जिनको सबने छोड़ दिया है, जो टूटे और पिसे मन के लोग है वो परमेश्वर के समीप रहते हैं, उसका वचन कहता है कि वो अनाथों का पिता है और विधवाओं का पति है, उसका वचन कहता है कि ना बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर, वरन जो घमंड करना चाहता है वो इस बात पर घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और समझता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वे मनुष्य कि जिसको चुनकर परमेश्वर अपने समीप आने देता है। आज का परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे चुन लिया है, मैंने तुझे तजा नहीं है, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है, मैंने तुझे अपने पास बुलाया है, मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है, मैंने उमड़ते हुए तेल से तेरा अभिषेक किया है, मैंने तुझे जाति जाति पर भविष्यद्वक्ता ठहराया है, मैंने तुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, मैंने सब कुछ तेरे पांव तले कर दिया है, मैंने स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियां तुझे दी हैं, और लिखा है कि जब मैंने तेरे लिए अपना इकलौता पुत्र नहीं रख छोड़ा तो मैं तुझे ये सब वस्तुएं क्यों नहीं दूंगा। उसका वचन कहता है कि तुम आत्मा से शुरू करके शरीर की लालसाओं पर, शरीर की अभिलाषाओं पर, शारीरिक बातों पर क्यों खत्म करते हो। सबसे बड़ा धन मनुष्य का प्राण है, अगर मनुष्य सारे जगत को भी प्राप्त कर ले वरन अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ। तुम दिन भर परिश्रम करके क्यों दुख भरी रोटी खाते हो, क्यों तुम नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम करते हो। आज हम सब कुछ करते हैं लेकिन खुदा के लिए कभी अपने आप को जीरो और समर्पित नहीं करते। आज हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। लिखा है वो बुद्धिमानों को उनकी बुद्धि में फंसा देता है, समझदारों को उनकी समझदारी में फंसा देता है, और चतुरों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और उसका वचन कहता है कि वो मूर्खों को ऊंचा उठाता है जो कुछ है भी नहीं, वरन जो त्यागे गए हैं, छोड़े गए हैं, उनको बहुत ऐसे वो ऊंचा उठाता है और सदा के घमंड का कारण ठहराता है। क्योंकि जो झुकता है उसमें जान होती है, अकड़ मुर्दे की पहचान होती है। जो पेड़ फलों से लदा हुआ होता है वो ही झुकता है। क्या आज हमारे अंदर अपने आप को जीरो करने वाला, शून्य करने वाला और परमेश्वर के आगे समर्पित करने वाला, सरेंडर करने वाला फल है? क्या कहीं आज हम अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा ज्ञानवान, ज्यादा समझदार, ज्यादा पैसे वाला, ज्यादा धन दौलत वाला, ज्यादा ज्ञानी और हर काम को अपने तरीके से करने वाला, कहीं हम अपने आप पर भरोसा तो नहीं करते हैं? कहीं हम अपने धन पर भरोसा तो नहीं करते हैं? कहीं हम अपनी स्किल्स पर भरोसा तो नहीं करते हैं? कहीं हम अपनी आराधना पर, प्रार्थना पर, वचनों पर, शेयर किए जाने पर, और कहीं हम अपने शरीर, प्राण और आत्मा पर घमंड तो नहीं करते हैं? कहीं हम अपने किसी बात पर घमंड तो नहीं करते हैं? कहीं हम ये तो नहीं सोचते हैं कि मेरे बिगैर किसी की गाड़ी नहीं चलती है? कहीं आज हम ये तो नहीं सोचते हैं कि इस घर की जड़ मैं हूँ? कहीं आज हम ये तो नहीं सोचते हैं कि मेरे बिगैर वो सामने वाला बेकार है, मेरे बिगैर ये घर खराब है, मेरे बिगैर कुछ भी नहीं है इनके जीवन में? कहीं अपने आप को आज आप ये तो नहीं सोचते हैं? जो ये सोचता है उसको अपने अंदर से हमें निकालना है, क्योंकि ये इंसान को खोखला कर देती है और इंसान को एक चूना फिरी कब्रों की तरह बना देती है, जो बाहर से बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन अंदर से खोखली है, जिसमें से सड़न मारती है, इसके अंदर से बदबू आती है। आज हमारे पास समय है उन खुदा के अभिषिक्तों को, इतिहासकारों को याद करो जिनके द्वारा खुदा ने इतिहास रचा, जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित किया, शून्य किया, जीरो किया, अपने आप को परमेश्वर के आगे इतना निर्बल बना दिया कि खुदा तेरे बिगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी इज्जत तेरे हाथ में है। आज उन सभी के बारे में जानने की कोशिश करो। अगर आप आज उनके बारे में जान लोगे तो आज से परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचा उठाएगा और आप जान पाओगे, आपके मन में एक आग लगेगी, आपकी आत्मा में एक आग लगेगी, आपके मन में, विचारों में एक नई उम्मीद और एक नई उमंग जगेगी। आज आप जान पाओगे उन हिस्ट्री क्रिएटरों को, हिस्ट्री मेकरों को,
आज आप जान पाओगे जिनके द्वारा इतिहास रचा खुदावंद ने, जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं, जिनको सुनकर आज हम मोटिवेट होते हैं, जिनके द्वारा आज हमारे जीवन में नए नए कदमों को, नए नए रूल्स और रेगुलेशंस को बनाने के कारण आज हम अपने आप को संसार से अलग करके और परमेश्वर के साथ क्लोज कनेक्शन में आते हैं और मजबूत करते हैं। आज हम उनको देखकर सही राह पर चलने की कोशिश करते हैं। उन्होंने अपने जीवन को किस तरीके से परमेश्वर के आगे समर्पित किया, किस तरीके से उन खराब मिट्टियों ने अपने आप को उस अच्छे रचयिता के हाथों में, उस अच्छे कुम्हार के हाथों में, उस क्रिएटर के हाथों में अपने आप को दे दिया। उन मिट्टियों ने जिनको रौंदा जाता था, जिनको कोई पूछने वाला नहीं था, जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं था, जो यूं ही कंकड़ पत्थर की तरह सड़कों के किनारों पर, बाड़ों पर पड़े रहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंपा, क्योंकि वो जानते थे कि एक कुम्हार किसी अच्छी वाली मिट्टी को नहीं बनाता, वो खराब मिट्टी को ही शेप देता है। जब उन्होंने जाना कि मेरा तो कोई मूल्य ही नहीं है, मैं धरती पर तो एक कूड़ा हूँ, मैं तो एक धरती पर एक करकट हूँ, मैं तो धरती पर एक दुख देने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे कारण इनकी आंखों में आंसू आते हैं, मेरे कारण, मेरे गलत डिसीजंस के कारण मेरे खुदा की आंखों में आंसू आते हैं। जब उन्होंने देखा कि मैं खुदा के बिगैर कुछ नहीं हूँ, तो उन्होंने अपने आप को सच्चे परमेश्वर, अपने क्रिएटर के हाथ में, अपने रचयिता के हाथ में, अपने कुम्हार के हाथ में, जब उन्होंने अपने आप को खुदा के हाथ में सौंपा, तो जब खुदा का हाथ उस मिट्टी पर लगा, तो वो मिट्टी कुंदन बन गई, वो इतिहासकार बन गए जिनके बारे में आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, और कभी कभी हम उनकी तरह बनने की इच्छा रखते हैं। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, जब उनके जीवन में ऐसी ऐसी समस्याएं, सिचुएशन, परिस्थितियां आई, तो उनके जीवन में उन्होंने इस हर प्रकार की परिस्थितियों में, समस्याओं में, सिचुएशनों में, उन्होंने अपने आप को खुदा, अपने जीवन से खुदा को कैसे बढ़ाया और अपने आप को जीरो कैसे किया। अपने आप को जीरो करने का मतलब, जीरो करने का तरीका यही है कि अपने आप को, अपने आप के सामने दूसरे को ऊंचा उठा दो। अगर आप अपने से किसी दूसरे को ऊंचा उठा दोगे, तो इसका मतलब आप झुक गए, आप जीरो हो गए। अगर आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम है, आपको कोई कितना भी धिक्कारता है, नकारता है, कितना भी मूर्ख कहता है, निर्बल कहता है, या कोई आपको कुछ भी कहता है, कितना भी त्यागे गए हो, जितना भी आपके अंदर कमी है ना, उन सभी के लिए आप अपनी नोटबुक में एक जीरो लगा लो कि हाँ, मैं एक मूर्ख हूं, मूर्ख के लिए एक जीरो लगा लो। हाँ, मैं एक निर्बल हूं, हाँ, मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, मेरे अंदर बच्चा दिमाग है, हाँ, मैं एक दरिद्र हूं, मैं एक अनाथ हूं, मैं एक विधवा हूं, मेरे पास रोटी नहीं है, मेरे पास कपड़ा नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, मेरे पास ये घटी है, मेरे पास वो घटी है। हर बात के लिए एक जीरो लगा लो। लेकिन जब इसी जीरो को आप अपने खुदा को दोगे, इस जीरो के आगे वो हमारा एक यीशु मसीह खड़ा हो जाएगा, वो इस जीरो की कीमत को बढ़ाकर आपको देगा, तब आप जान पाओगे कि हाँ, इस जीरो की कीमत कितनी है। क्यों? क्योंकि जीरो को ही हीरो बनाया जाता है। जो आकाश के ऊपर ज्यादा चढ़ने की कोशिश करते थे, उसको तो नीचे गिरना ही है, लेकिन जो नीचे है वो उसको उठने का समय है, आज वो उठेगा। अगर आप में से जो जीरो करता है अपने आप को, अपने आप को सरेंडर करता है खुदा के आगे, जितनी भी आपके अंदर नाकामयाबी वाली बातें हैं, जितने आप को दोष लगाए गए हैं, जितनी आपके अंदर कमी आपको महसूस होती कि हाँ भाई, मेरे अंदर बात करने का तरीका नहीं है, मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे समझ नहीं है, मैं पवित्रता, सच्चाई, खराई में नहीं चल पाता, ना ही बन पाता, ना ही मैं सुसमाचार सुनाता, ना ही मैं खुदा के कार्य को करता, ना ही मैं खुदा के गुणों को प्रकट करता, वरन मैं दुख देता हूँ, झूठ बोलता हूँ, व्यभिचार करता हूँ, चुगली करता हूँ और निंदा करता हूँ, गलत संगतियों में खड़ा होता हूँ, बार बार खुदा के घाव को कुरेदता हूँ, इन सब बातों के लिए आप जीरो अपने नोटबुक पर लगाइए, और उन सभी जीरो के आगे शुरुआत में ही, जब आप पहला जीरो लगाओगे ना, उस पहले जीरो से पहले एक लगा देती है, वो एक हमारा यीशु मसीह है। जब वो यीशु मसीह हम हर एक जीरो के आगे खड़ा हो जाएगा ना, उन सब जीरो के आगे खड़ा हो जाएगा, तो आपकी गिनती करोड़ों, अरबों, खरबों, बहुत ऊंचाई, इतनी तो मुझे गिनती में नहीं आती, आपकी गिनती इतनी हो जाएगी। आप अपनी कीमत को जान पाओगे कि आप कितने अनमोल हो। उसने कहा कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है, तू आशीष का मूल होगा। अरे, तेरे ऊपर से तो मैं पूरे मिस्र को, पूरे संसार को वार कर फेंक दूंगा, मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, ये तू खुद नहीं जानता है। तो जब परमेश्वर के उन अभिषिक्तों ने, उन इतिहासकारकों ने जब अपने आप को जाना कि हम कुछ नहीं है खुदा के बिगैर, तो उनके जीवन में परमेश्वर ने कितने बड़े चमत्कार किए, उनको खुदा ने कैसे ऊंचा उठाया, इस बारे में आज हम जानेंगे। थोड़ा सा समय अब्राहम के बारे में बात करते हैं। अब्राहम के पास संतान नहीं थी, अब्राहम 100 वर्ष का हो चुका था, उसकी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो चुका था, अब्राहम बूढ़ा हो गया था, उसके पास संतान नहीं थी। उसने सरेंडर किया, प्रभु मैं तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन तूने तो मेरे से वायदा किया है कि तेरी संतानें इतनी होंगी, बालू के किनकों के समान होंगी। प्रभु, तूने मुझसे वायदा किया है, तेरा वायदा मेरी समस्या से बड़ा है,
कहते हैं ना कि ये मत कहो खुदा से कि मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, उन मुश्किलों से कह दो कि मेरा खुदा बड़ा है। तो उन्होंने अपनी मुश्किलों से बड़ा अपने खुदा को समझा और अपने आप को सरेंडर किया। अब्राहम ने अपने आप को जीरो किया। तो आज तक हम अब्राहम की संतान कहलाते हैं, क्योंकि खुदा ने कहा था कि तेरी संतानें इतनी होंगी, तू इन बालों के किनकों को गिन सकता है, इनके समान अनगिनत होंगी, इन तारों के समान अनगिनत होंगी, तू नहीं जानता कि तेरी इतनी संतानें होंगी। और अब्राहम उस बात को थामे रहा, क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, क्योंकि उसने अपने आप को अपने रचनाकार के हाथ में दे दिया। तो परमेश्वर ने उसको, उस अब्राहम को, उस आकार, उस आकृति में, उस कार्य में ढाल दिया जिसके द्वारा एक इतिहास रचा जाए। आज उस इतिहास को हम पढ़ते हैं। आज वो एग्जाम्पल जब हमारे जीवन में आता है तो लिखा है कि अब्राहम ने यहोवा की बात को माना। परमेश्वर यहोवा ने अब्राहम के बारे में गवाही दी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है इसीलिए मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगा, इसीलिए तेरे वंश को मैं आशीष दूंगा, तू प्रतिज्ञा का वारिस होगा। पर आज हम प्रतिज्ञा की संतान कहलाते हैं, आज वो एक इतिहास है। और दूसरा एलिया, जब एलिया उन बाल के पुजारियों के वहाँ पर फंस गया था, जब बाल के पुजारियों के समय में ये बात हुई थी कि हाँ जिसका परमेश्वर स्वर से आग उतारे वही सच्चा परमेश्वर है, तो उस समय बाल के पुजारियों ने वेदी बनाई और उनकी वेदी पर आग नहीं गिरी। तब एलिया ने वेदी बनाई, तो उस समय एलिया ने अपने आप को सरेंडर किया, जीरो किया, शून्य किया, अपने आप को समर्पित किया और इतना जीरो कर दिया, कहा कि हे यहोवा मैं कुछ भी नहीं, तू कुछ कर दे सब कुछ हो जाएगा, मैं अपने आप को सरेंडर करता, मुझसे तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, मैं जैसा भी तू मुझे ग्रहण कर, देख जो ये सारे लोग खड़े हैं ये जाने कि तू ही सच्चा परमेश्वर, अपने कार्य को प्रकट कर, अपनी आँख को गिरा खुदावन। तो उस समय स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा ने अपनी अग्नि को स्वर्ग से गिरा कर, उस समय अपने कार्य को, अपनी शक्ति को, अपने आत्मा को प्रकट किया। क्यों? क्योंकि एलिया परमेश्वर की नज़र में एक सच्चाई खराई पवित्रताई में चलने वाला, उस एलिया परमेश्वर की नजर में खरा व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि एलिया परमेश्वर पे घमंड करता था, इसलिए परमेश्वर को एलिया पर भी घमंड था, इसलिए परमेश्वर एलिया के बिगर नहीं रह पाया और एलिया को परमेश्वर ने स्वर्ग में अपने अग्नि में रथों के साथ धरती पर से उठा लिया। और वहां के जो बाल के पुजारी थे और अहाब राजा था, जब उन्होंने ये सब बातें देखी कि स्वर्ग से आग गिरी है और एलिया की जो वेदी बनाई गई थी उसको परमेश्वर ने पूरी तरीके से ग्रहण कर लिया है और वो वेदी पूरी तरीके से भस्म हो गई है, तो उस समय उन बाल के पुजारियों ने, उस अहाब राजा ने घुटने टेक दिए और उन्होंने अपने मुंह से खुद अंगीकार किया कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एलिया ने अपने आप को परमेश्वर के आगे जीरो किया, समर्पित किया। एलिया ने घमंड नहीं किया अपने ऊपर कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, मैं ही गिराऊंगा, मैं तुम्हें चमत्कार करके दिखाऊंगा, देखो मैं स्वर्ग से आग गिराऊंगा, नहीं, उसने घुटने टेक कर अपने आप को जीरो किया, समर्पित किया, सरेंडर किया कि हे यहोवा मैं नहीं जानता कुछ, तू ही कर। और तीसरा, जब शद्रक मेशक और अबेदनगो के सामने समस्या आई, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा था कि तुम इस मूर्ति के आगे दंडवत करो, जब उस राजा ने कहा था, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को कहा था कि तुम मेरे देवता की उपासना करो, तो उन्होंने अपने आप को सच्चे परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया, उन्होंने उन देवताओं की उपासना नहीं करी, उन्होंने उस राजा की मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया, उन्होंने चाहे कुछ भी हो जाए कि मैं तो अपने परमेश्वर ही को समर्पित करूंगा, मैं तो अपने परमेश्वर ही को दंडवत करूंगा, मैं तो अपने परमेश्वर ही के आगे जीरो होऊंगा। और उसने, जब उनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपने आप को खुदा के आगे जीरो किया और उन्होंने कहा कि चाहे मेरा परमेश्वर ना भी बचाए तब भी मैं राजा तेरे आगे और तेरी मूर्ति के आगे, तेरे देवताओं के आगे, दंडवत तेरे देवताओं के आगे नहीं झुकूंगा, मैं सिर्फ अपने परमेश्वर के आगे झुकूंगा। जब उनके सामने ये परिस्थिति, सिचुएशन, ये एक ऐसा चुनाव आया, तो उस समय उन्होंने अपने आप को जीरो कर दिया, समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया। तो लिखा है परमेश्वर उनको इस बात को देखकर हैरान हो गया कि मेरे बच्चों ने ये तक कह दिया कि अगर मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर ना भी बचाए तब भी हम तेरे आगे दंडवत नहीं करेंगे। तो परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजकर, अपने दूत को भेजकर उस आग के भट्टे में से निकाल लिया, जो जिसकी आग 7 गुना बढ़ा दी गई थी। और वहाँ के राजा ने और वहाँ के लाखों करोड़ों लोगों ने, जिन्होंने मूर्ति के आगे दंडवत किया था, जिन्होंने उसके देवता की उपासना करी थी, उन लोगों ने खुद कह दिया, उन लोगों ने खुद अंगीकार किया कि हाँ इनका सच्चा परमेश्वर है, आज से इन्हीं के सच्चे परमेश्वर यहोवा ही की उपासना की जाएगी। कौन ऐसा ईश्वर है जो आग के भट्टे में से निकाल सके, ऐसी खतरनाक समस्या से अपने लोगों को बचा सके, यही सच्चा ईश्वर है, इसी की उपासना करो। जब उन्होंने अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित किया तो खुदा ने उनको ऊँचा उठाया। और जब दानियल के समय में एक ऐसी परिस्थिति आई कि कोई भी
परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा और ना ही कोई परमेश्वर को दंडवत करेगा। तो दानियल ने किसी भी चीज को ना चुनकर अपने खुदा का चुनाव किया और अपने खुदा के आगे सरेंडर किया, समर्पित किया, जीरो किया, सरेंडर किया कि खुदा मैं कुछ भी नहीं हूं, देख मैं तो तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तो तेरे ही आगे दंडवत करूंगा, मैं तो तुझे ही चुनूंगा, मैं तो तुझे ही धन्यवाद करूंगा और मैं जैसा भी हो तू मुझे ग्रहण कर, देख प्रभु इस समस्या से मुझे निकाल, तू मुझे ऊंचा करेगा, मुझे नहीं पता राजा क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन मैं तेरी उपासना करता हूं, मैं तुझे दंडवत करूंगा प्रभु, मैं किसी और को दंडवत नहीं करूंगा और ना ही मैं तुझे दंडवत करना छोड़ूंगा। और दानियल यही करता रहा। जब दानियल के बारे में पता चला कि हाँ दानियल अपने ईश्वर से अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तो राजा ने उनको बुलाकर राजा ने दानियल को शेरों की मांद में डलवा दिया और राजा खुद इस बात को करके बेचैन हुआ कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, इतने अच्छे इंसान को जो इतना भक्त था, इतना भक्तिशाली था, इतना दीन और नम्र था, इतना भला इंसान था, उसको मैंने शेर की मांद में क्यों डलवा दिया। खुदा ने उस राजा के मन में इतनी तगड़ी बेचैनी डाल दी कि राजा भौर होते के साथ ही उस दानियल को शेरों की मांद में देखने के लिए आया, और जब देखने के लिए आया तो खुदावन के द्वारा उस चमत्कार को उसने दानियल के मुँह से सुना। क्या वो चमत्कार ये था कि जब दानियल का प्रार्थना का समय हो, जब दानियल ने प्रार्थना की तो परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा, उन शेरों की मांद में परमेश्वर ने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि दानियल ने अपने आप को सरेंडर कर दिया था, शून्य कर दिया था, जीरो कर दिया था कि प्रभु मैं नहीं बच सकता इस समस्या से, मैं नहीं निकल सकता इस समस्या से, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं अपनी जान नहीं बचा सकता, प्रभु तू मुझे बचाएगा, तू मुझे शेर की मांद से बचाएगा, तू मुझे इन शेरों का खाना बनने से बचाएगा। तो परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह को बंद करा। तो जब उस राजा ने सुना तो उस राजा ने गवाही दी कि हाँ तेरे सच्चे ईश्वर, तेरे सच्चे परमेश्वर ने तुझे बचा लिया, कि तेरा ही सच्चा परमेश्वर है। और जब मूसा के समय में बात हुई और जब मूसा के सामने ऐसी परिस्थितियां आई, मूसा शक्ल का भद्दा था, बिल्कुल जीरो था, भेड़ बकरियां चराता था, कपड़े बिल्कुल खराब हो चुके थे और त्यागा हुआ था और अब राजमहल से भागा हुआ था, लोग मारने, मिस्र के लोग और फिरौन का राजा उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था, फिरौन मारने के लिए ढूंढ रहा था, उस जगह का राजा उसको मारने के लिए ढूंढ रहा था, वहाँ के सिपाही उसको मारने के लिए ढूंढ रहे थे। मूसा एक भगोड़ा व्यक्ति था, लेकिन जब मूसा ने अपने आप को जीरो कर दिया, सरेंडर कर दिया, नम्र कर दिया, दीन कर दिया, मैं तो कुछ भी नहीं खुदा, देख मेरे, मैं तो शक्ल का भद्दा हूँ, मेरे पास तो ताकत भी नहीं, मेरे पास तो राजपाट भी नहीं है, मेरी हालत तो देख ले खुदा, मैं तो हकलाता हूँ बोलने में। जब उसने अपनी आप को, अपनी बुराई, अपनी निर्बलता को, अपनी कमजोरियों को, अपनी मूर्खता को, अपनी बुराइयों को खुश खुदा रचयिता के हाथ में सौंपा, तो खुदा ने उसको ऐसा सामर्थी रूप से खड़ा किया कि परमेश्वर ने उसके द्वारा लाल समुद्र को दो भाग किया। उस मूसा के द्वारा 10 विपत्तियां भेजी गई, उस मूसा के द्वारा परमेश्वर ने 25 लाख इसराइलियों को उस मिस्र में से निकाल कर वहां से अपने बड़े बड़े चमत्कारों को प्रकट करके परमेश्वर ने उस मूसा के द्वारा एक ऐसा इतिहास रचा जिसको आज हम भी पढ़ते हैं। वो इतिहास ऐसा इतिहास है जो आज तक बदला नहीं गया, वो इतिहास ऐसा इतिहास है परमेश्वर की नज़र में, जो इंसान कुछ भी नहीं है परमेश्वर उसी को बनाता है, लेकिन जो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा दिखाता है परमेश्वर उसको नीचा करता है, क्योंकि लिखा है कि वो घमंडियों का सामना करता है और जो दीन और नम्र है वो उन पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर ने अपना अनुग्रह मूसा पर भी किया और वो एक इतिहास रचकर चला गया। और यहेजकल के समय में परमेश्वर ने कहा था कि यहेजकल ये सारी हड्डियां जी सकती हैं, परमेश्वर यहेजकल को हड्डियों, सूखी हड्डियों की तराइयों में लेकर गया। वहां पर यहेजकल से कहा परमेश्वर ने कि यहेजकल बता कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं, तो यहेजकल ने एक ही उत्तर दिया, हे यहोवा मैं नहीं जानता, मेरे में तो इतनी सामर्थ नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तू चाहे तो हो सकता है, यहोवा तू ही जाने। आप चाहे तो पढ़ सकते हो, लिखा है वहां पर कि यहोवा तू ही जाने, तू चाहे तो हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने गलत अंगीकार नहीं किया, उसको पता था कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो निर्बल हूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो नादान हूं, मैं तो मूर्ख हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मेरे में तो इतनी सामर्थ नहीं है कि मैं किसी को जिला दूं, लेकिन उसने कहा कि यहोवा तू ही जाने। उसने अपनी निर्बलता का अपने मुंह से अंगीकार किया, मैं तो नहीं कर सकता लेकिन यहोवा तू ही जाने। तो परमेश्वर ने कहा कि बोल इन हड्डियों से कि सेना को यहोवा यूं कहता है कि ये सूखी हड्डियां, ये सूखी हड्डियों की तरह यह एक बड़ी सेना बन जाए। बोल इन हड्डियों से कि सेना को यहोवा यूं कहता है कि इनके ऊपर मांस चढ़ जाए। बोल इन हड्डियों से कि सेना को यहोवा यूं कहता है कि इनके ऊपर नसें आ जाए। बोल इन हड्डियों से
कि चारों दिशाओं से सांस इनके अंदर आके समा जाए, बोल इन हड्डियों से कि एक बड़ी सेना बन जाए। तो ऐसा ही हो गया, वो एक इतिहास रचा गया कि परमेश्वर ने उसकी निर्बलता को ही उसकी सामर्थ बना दिया। परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा इतिहास रचा, जब अब्राहम ने अपने आप को सरेंडर किया, शून्य किया। परमेश्वर ने एलिया के द्वारा इतिहास रचा, जब एलिया ने अपने आप को बाल के पुजारियों के आगे बिल्कुल दीन और नम्र कर दिया, बाल के पुजारियों के आगे बिल्कुल ऐसा बना दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, और खुदा के आगे बिल्कुल इतना दीन और नम्र हो गया कि प्रभु मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, तू ही जाने, तू ही सब कुछ कर सकता है, एक इतिहास रचा गया। जब परमेश्वर ने शद्रक मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर के आगे अपने आप को उस सिचुएशन परिस्थिति में जीरो कर दिया कि प्रभु अब तो तू ही हमें निकालेगा, हमें नहीं पता हमारा रास्ता, हमारा मार्ग, हमें सुरक्षा रक्षा करने वाला तू ही, हम तो मूर्ख, हमें नहीं पता। तो परमेश्वर ने उनके द्वारा भी एक इतिहास रचा। और जब दानियल ने अपने आप को निर्बल और कमजोर जानकर खुदा के हाथ में सौंपा कि प्रभु मुझसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, तू ही मुझे बचा सकता है शेर की मान से, तो उस समय भी एक इतिहास रचा गया। और जब मूसा के समय में परमेश्वर ने मूसा को देखा कि मूसा निर्बल है और बिल्कुल कुछ भी नहीं है, इसने अपने मुंह से इस बात का अपनी निर्बलता का अंगीकार किया, तो मूसा को परमेश्वर ने एक ऐसा इतिहासकार बना दिया कि वो चमत्कार आज तक भी नहीं किए गए। लोग आज तक उन चमत्कारों को ढूंढते हैं कि कौन है ऐसा जो ऐसे समुद्र को दो भाग कर सके, कौन है ऐसा जो 10 विपत्तियों को भेज सके और समस्या को खत्म कर सके पल भर में, कौन है ऐसा जो यहोवा के सामने आमने सामने बात करे। और यहेजकल परमेश्वर ने यहेजकल के द्वारा ऐसा चमत्कार किया, ऐसा इतिहास रचा कि नामुमकिन को, उन सूखी की हड्डियों को एक बड़ी सेना के रूप में खड़ा कर दिया। कौन है ऐसा जो मुर्दा परिस्थितियों को जीवित करा सके, वो यहेजकल के द्वारा परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया। और यीशु के आगे जब समस्या आई, यीशु के आगे समस्या क्या थी, यीशु जानता था कि मेरी मृत्यु होगी, यीशु को पता था कि मेरी मृत्यु यरूशलेम में होगी और मैं किसी के द्वारा पकड़ाया जाऊंगा। और जब यीशु प्रार्थना करने गया तो यीशु ने अपने आप को जीरो किया, सरेंडर किया, अपने आप को पिता की इच्छा के आगे समर्पित कर दिया कि पिता हो सके तो यह प्याला मेरे आगे से हटा ले, वरन मेरी नहीं तेरी सीधी इच्छा पूरी हो। तो लिखा है जब यीशु बिल्कुल निर्बल हो गया तो यीशु के पास वहां पर एक उसको स्वर्गदूत सामर्थ्य देने आया, और जब यीशु ने अपने आप को जीरो कर दिया तो वो एक नई सामर्थ्य से भर गया। यीशु का रूप बदल जाता है, यीशु सामर्थ्य पा लेता है, यीशु आनंदित होता है। क्यों? क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की महिमा की। आज वो आपकी महिमा करना चाहता है, अगर आप उसके आगे अपने आप को जीरो करें और समर्पित करें और सरेंडर करें तो, क्योंकि उसने आपको चुन लिया है। ये चुनाव आपका है कि आप क्या चुनते हैं, क्या आप अपने बलवानता को, आप अपनी भलाई को चुनते हैं, आप अपनी सामर्थ को चुनते हैं, या अपनी बुराइयों को खुदा के आगे लेकर आके खुदा की इच्छा को चुनते हैं। खुदा की इच्छा यही है कि वो आपको बहुत बड़ा प्रतिफल दे। तो प्रभु आपको आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की।